पंजाब दी खेती दी खास तौर ते आन बान शान ते पंजाबियां दे बिल्कुल दिलां दे नेड़े वसदी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना ते उहदा सालाना किसान मेला। सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा वाइस चांसलर साहब दा, दोनों वाइस चांसलर गढ़वासू दे ते पीएयू दे, साडे खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां साहब, सारी यूनिवर्सिटी दी जिहड़ी अथॉरिटीज टीमां बैठियां ने अलग अलग विषयां दे स्पैशलिस्ट, लुधियाने दा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन, ते सब तो वध धन्यवाद मैं करदा इन्हां मेलियां दा जिहड़े इस मेले च आए ने, इस खेती दे मेले च आ के कुछ नवां लैके जाणगे घरें। सारयां नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। मेरे लिए यूनिवर्सिटी कोई नवीं थां नहीं, पहला भी मैं इन्हां किसान मेले च आउंदा रहा, एक दो बारी ताए होरां नाल आया छोटे हुंदे सी, फिर उस तों बाद आ स्टेज ते आया, एक दो बारी कलाकारां दे तौर ते आया। सो साडे लई इह यूनिवर्सिटी जिहड़ी है कोई बगानी नहीं। मैं आउंदा होया देख रहा सी, मैं उतले पासों नहर वाले पासों आया, मैं देख रहा सी कि ते जिहड़े ज़्यादातर जिहड़े मोढ़ियां ते बोरियां चक्की जांदे सी बीज दियां नवें नवें झोले फड़े हुए सी, ते नाल उन्हां ने वख-वख विशेयां दियां बुकलेट चक्कियां होईयां सी, ज़्यादातर नौजवान सी, नौजवान सी क्योंकि खेती करन दे तरीके बदल गए। ठीक है, साडे बापूआं ने बहुत मेहनत कीती, साडे बजुर्गां ने बहुत मिट्टी ना मिट्टी होके जमीना नू ठीक कीता, सैट कीता, पर हुण तरीके जिहड़े ने उह साइंस दे आ गए। इक्को फसल नू बीजण दे तीन तीन तरीके आ गए, इक्को फसल नू पानी लाउण दे तीन तीन तरीके आ गए, इक्को फसल ते स्प्रे करन दे तीन तीन तरीके आ गए, इक्को फसल नू कट्टण दे वड्ढण दे तीन तीन तरीके आ गए। सो हुण खेती अपडेट करन दी लोड़ है, जिहनू कि आपां बहुत जल्दी कर रहे हां, और पंजाबी जिहड़े ने उह नवीं जिहड़ी चीज़ है नवें आइडिया नू बहुत जल्दी पिक करदे आ। सो मैनूं बड़ी खुशी हुई आउंदे होए देख के कि नौजवान मुंडे मेले का हिस्सा बन रहे ने। कल पता लगे मैनूं, कल 109,000 किसानां ने रजिस्ट्रेशन इस मेले च 109,000 कराई है। अज भी सारा भरिया पिया मेला, स्टॉल लगे पे ने, सारे स्टॉल फुल ने। थोड़े चिर वास्ते इत्थे आ जाने हो, इत्थे संगीत है, पंजाबी ने, पंजाबी जिथे भी जाण आपदा गाणा ते आपदा खाणा जरूर नाल लैके जांदे आ। तुसीं जिथे मर्जी देख लिओ, शेरे पंजाब ढाबा ढाबे दे नाल ही सीढ़ियां दी दुकान, इधले पासे खाणा, इधले पासे गाणा, उह साडा नाल रूह दी खुराक है। वी साडी मेरे इहो जी जगह ते मैनूं बोल के बड़ा वधिया लगता है, क्योंकि यह विशा मेरे दिल के बहुत नेड़े है। किसानी बहुत मुसीबतों के विच पै चली है, सेंटर ने कुछ इस तरह के रूल बनाते जो रोक लगती है किसानी पर लगती है। मैं एग्जाम्पल दिना, एक असी बासमती नू प्रमोट किया, इस बार बासमती लाओ, बासमती नू आपां एक्सपोर्ट करांगे, पंजाब बासमती का सब तो वड्डा प्रोड्यूसर है इंडिया च, सब तो वध बासमती पंजाब पैदा करता है। असी ये पता कर लिया बाहरले मुल्कां तो कि थोड़े मापदंड की ने, नहीं तो की करते हैं, बासमती आपां इत्थों भेज दें जां कोई पैदावार भेज दें उत्थों, हो रिजैक्ट कर देंगे ने कि स्प्रे ज़्यादा की हुई है, तो यह साडे मापदंडा से पूरा नहीं उतरदा, असी साडे लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते। असी उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि केड़ियां केड़ियां तुसी बैन कीतियां होईयां ने, मंत्री साहब किन्नियां बैन कीतियां, आपां 10 स्प्रेयां इहो जिहियां ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਮੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸੇ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸ ਸਪਰੇਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਤਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ $1200 ਪਰ ਟਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਸ ਲਾ ਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਲਓ ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਆਪਣੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ CMD ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕੋਲਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰੋ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੱਦੋ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਉਣਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਏਕ ਦੇਸ਼ ਏਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢੋ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਲੈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਲਾ ਇੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਂ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FCI ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਆ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਬਾਊ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੂ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਲਿਓ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਈ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਰੋਕੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
पिछली सरकार उन्हूं गलत वरत गई। वो पैसा होंगे मंडिया ते मंडिया नूं जाण वालियां सारियां मंडी बोर्ड दियां सड़कां दा उत्थे लाउणा सी। कैप्टन साहब किधरे होर करके काम, वो कहिंदे तुसीं इस पैसे नूं गलत वरते, असीं रोक लिया थोड़ा, असीं एक्ट भी चेंज किया विधानसभा च कि असीं इसे वास्ते वरतांगे, हजे लड़ी जाने हुण कहिंदे तां हैगे ने कहिंदे दे देणगे। 4000 करोड़ है जी, 4000 करोड़ च पिंडां दियां 67000 किलोमीटर सड़कां ने, 4000 करोड़ रुपया सानू मिल जाए असी कली कली सड़क चमका देंगे, असी पैसा उत्थे लाउणा है। असी ये नहीं करते कि पैसा कितने होर ले लिया तो करता इधर उधर नू। बिजली के बिल किते 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट का अपना साइकिल है 2 महीनों का, 85% पंजाबियों नू बिजली फ्री मिलती है, तो नाले बिजली बोर्ड नू घाटे च नहीं रहन दिता, बिजली बोर्ड के पैसे भी मोड़े है जी। 20000 करोड़ की सबसिडी वह भी दिती है, मोटरां ते भी 12-12 घंटे बिजली आई है, नाले व्यापारियों नू कोई आए नहीं कहा भी हफ्ते च बुधवार ते शनिवार तुसीं चलाउणी नहीं अपनी फैक्टरी, ना उन्हां नू भी फुल बिजली मिली है। हुण कित्थों बिजली मिलन लग गई जी, उही थर्मल प्लांट है, उही तारा ने, उही खंभे ने, उही जैम्पर ने, उही फ्यूज ने, उही ट्रांसफार्मर ने, हुण कि बिजली किवें आउण लग गई जी। कारण असी झारखंड दे विच पछवाड़ा एक छोटा जिहा कस्बा उत्थे पंजाब सरकार दी कोले दी खान है पछवाड़ा, 2015 तो बंद पई सी, है पंजाब सरकार दी बंद पई सी, क्योंकि उहनू बंद करके इधरों उधरों लैंदे आ कोला, उह चों बणदा है समान, कमीशन बणदा है। असी 2015 तो बंद पई सी जिहड़ी ना आउण सार 16 मार्च नूं सौं चुकी सी, अक्तूबर च आपां कोले दी खान चला ली अपनी, साढ़े कोले इन्ना कोला, असी प्राइवेट जिहड़े थर्मल प्लांट ने उहनां नूं कोला दे सकदे हां जे चलाउणा होवे, उहनां ने इन्ना कोला हो गया, बिजली फ्री हो गई, बिजली आम हो गई, लोगों नूं दे दो, लोगों का पैसा है खजाने च इकट्ठा करके लोगों ते ला दो, होर की होर सरकारां दा काम की हुंदा, सरकारां दा काम लुटना थोड़ी हुंदा, लोगों नूं चूसना थोड़ी हुंदा, कोई काम नहीं कर देंदे। लोग सफलता तो डरन लाते सी कि यार कामयाब ना हो जाइए कि इतने, वो एक ढाबे वाले ने मैं पूछा मैं तेरा बड़ा वधिया ढाबा चलता यार सोहना बनाया 2 मंजे ला के स्पीकर जे भी लाए हैं बड़ा वधिया पुराना स्टाइल जहा जमले जट का गीत भी चलता सी सतगुर नानक तेरी लीला न्यारी है, मैं क्या बड़ा वधिया बनाया बई, कहिंदे हाँ जी, मैं क्या किवें चलता वधिया चलता, मैनू परां ले जाके कहिंदा 2 वारी अरदास करदे आ जी भी ज़्यादा वधिया ना चले नहीं ये हिस्सा पा लेंगे, ये 2017 की गल है, ये जेड़ा ढाबा चलता जेड़ी बस चलती है ले लो नाल लेके जानी है, किसी नूं कामयाब नहीं होण दिंदे सी, असी उल्टा करते हैं। मैं एक गल दसदा बड़ी वधिया, मेरे को एक व्यापारी आया कहिंदा जी मैं पंजाब च 1000 करोड़ रुपया लाउणा है, घट्टो घट 800 मुंडे कुड़ियां नूं काम देऊंगा, पिछलियां सरकारां वेले भी मैं आया सी पर मैनू सरकार तो सपोर्ट नहीं मिली, मैनू सरकार तो सपोर्ट चाहिए है, मैं कहा सरकार को सपोर्ट देवांगे तैनू, फिर थोड़े चिर बाद कहिंदा जे सरकार तो सपोर्ट मिल जाए कमाल हो जूगी जी, मैं फिर कहता मैं हाँ जी मिलूगी, फिर कहिंदा जी पक्का वादा है ना जी सरकार सपोर्ट करूगी, मैं कहा यार सपोर्ट तो बड़ा जोर दिंदा है ये, की मंगता होगा बद तो बद बिजली सस्ती मंगता होगा, बद तो बद कहूँ मैंने जमीन सस्ती लैके दे दो, मैं कहा जी वट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, तैनू केड़ी किस्म की सपोर्ट चाहिए है, वह हाथ बन के मैनू कहिंदा बस तंग ना करो जी कहिंदा पहला ना तो सपोर्ट मिली नहीं तंग कर दे, सरकारां तंग करन वास्ते बनदियां जी, मैनू दस दो सरकारां तंग करन वास्ते बनदियां ने, सरकारां सहूलतां देण वास्ते बनदियां ने, वह मैं कहा असीं तंग करन वाले नहीं हैगे यार, तू 1000 करोड़ कहना तू 1500 करोड़ ला, तू 300-400 मुंडे कुड़ियां नूं होर काम दे, मेरा तो यही है सारे मुंडे कुड़ियां काम ते लग जाण, वेला मन शैतानी दा घर, इधर उधर बुरी संगत दा शिकार ना होण, इह आ फाइलां मेरे कोल उत्थे आउंदियां ने। हुण तुहाडा सब तो वध बाह पैंदा है पटवारियां नाल, है ना, मैं कुछ कह ही नहीं ताड़ियां मारते तुसीं, इहदा मतलब कुछ हो गया है, कहिंदे जे बंदा दरख्त ते भी रहिंदा होवे ना तां भी वाह पटवारी नाल पैंदा, क्योंकि दरख्त धरती नाल जुड़िया हुंदा है, ते धरती दा मतलब पटवारी हुंदा है।
सब तो वह दबाव पैंदा। ज्यों वड्डी तुरे आउंदे सी आप ही भुल गए साड़ी जमीन कित्थे कित्थे है। फिर असी थोड़ा जिहा पुछया, लोगों ने दस्या, इसका ठीक है, फिर असी दो फड़ ले, हड़ताल करके बह गए, कलम छोड़ हड़ताल। कलम छोड़ क्यों हड़ताल, साडा बंदा फड़ लिया कहिंदे। मैं कहा फिर ऐ करियो, तुसीं कलम छोड़ हड़ताल जरूर करो, थोड़ा हक है, लोकतांत्रिक हक है, कलम छोड़ हड़ताल करो, बाद च कलम थोनू देवांगे जां ना देवांगे ये सरकार फैसला करूगी। फिर उहदी ठीक हो गए जी, कहिंदे नहीं नहीं मतलब सारे साथी नाल ही हैं जी, नाल ही हैं। गल है कोई यार, इत्थे लोग कलमा फड़न नू तैयार बैठे ने, बेरोजगार इन्हां तों वध पढ़े लिखे, उही कलमा फड़न नू मुंडे कुड़ियां तैयार बैठे ने। असी उसे दिन अगले दिन ऐड कढ के 710 दे लगभग नू ट्रेनिंग ते भेजता, 586 पटवारियों दी पोस्टां हुण कढ दांगे, एडवरटाइजमेंट आउण वाली है, ते नाल जिहड़े गए होए ने ट्रेनिंग ते उहनां नू भी 15 महीने हो गए, 18 महीने ट्रेनिंग है, 3 महीने की छोट दे के उन्होंने भी असं फील्ड च लैके आवेंगे। नवे पटवारी मुंडे कुड़ियां आउणगे, उन्होंने ये भी नाल कहूँगा, जे थोड़ा पटवारी लगन वास्ते 1 रुपया नहीं लग्या तो पटवारी लग के भी तुसीं 1 रुपया लै नहीं सकते। फिर वो मैनू एक फोन आया किसी लीडर का, मान साहब छोटे थोड़ा छोटे लैवल से आ गए। मैं कि 10,000 लैंदा फड़ लिया एक कानू गो, 10,000 की हुंदा जी? मैं क्या जनाब जी, तुसी कानूगो वाले पासे सोचते हो, तुसी उधरले पासे सोचो, 10,000 वो बंदा जी तो मंगया होगा, वो किवें लेके आया हो 10,000? किदियां मिन्नत कीती होनी उन्हें, किदे पैरां च पग धरी होनी, कि सहु खाधी होनी गुरु महाराज की, 100,000 6 महीने च मोड़ दो, मैनूं 10,000 दे दे। ते हो सकदा कानूगो दा तां 10,000 रुपये दा इक रात दा डिनर होवे, महफल होवे, पर दूजे पासे सोचो। सो मैं हमेशा लोकां वाले पासे सोचदा भाई, मैं लोकां वाले पासे हां, मैं लोकां चों हां। मैं जदों पार्लीमेंट भी जाता सी, मैं लीडर बन के नहीं जाता सी, मैं तो पब्लिक बन के जाता सी, जो गालां थोड़े दिल च सी मैं उत्थे कढ दिंदा सी, पड़ास थोड़ी निकल जाती सी, उही कहिंदा जो असीं कहिंदे आ। कैस्टा सीडीए च भी यही कर रहा सी मैं, होर की कर रहा सी, मैं सिस्टम के खिलाफ ही बोलिया सी। सो इस कर अच्छा तरीके कमाल दे, असीं मेले ते आए हुए हां, रिश्वत लैण दे तरीके भी कमाल दे, कई बार तां शाबाश देण नू जी करदा यार, कमाल है भाई बंदे ने। एक तहसीलदार फड़िया जी, तहसील मैं ज्यादा टाइम तो ले रहा, एक तहसीलदार फड़िया, सानू पता लगे पैसे लेंदा रजिस्ट्री को, अभी सीसीटीवी कैमरे लाते उहदे दफ्तर च, कोई कैमरे च उन्हें पैसा नहीं लिया जी, 2 दिन लाते, 3 दिन लाते, कोई पैसा नहीं लिया जी उन्हें। असी उन्होंने पूछा जिहड़े शिकायत लेके आए सी, कहिंदे पैसे लैंदा जी ये, असीं कहा चल घरें ला दिंदे हां, घरें बुलाउंदा होना भी, बाद च घरें आ जी शाम नूं, घरें सीसीटीवी कैमरे लाते, घरें भी नहीं कोई आया जी, भी जिहड़ा रजिस्ट्री करा के गया होवे शाम नूं घरें गया होवे, बड़ा पंगा पै गया जी। किवें करदा इह यार काम करदा कहिंदे जी ये। फिर सानू पता लग्या थोड़ा जिहा, असीं उह वीडियो नूं बार बार देखिया, मैं कहा मैनू वीडियो दिओ, मैं वेला बह के ना देखण लग गया, बार बार भी कोई ना कोई तो मिलेगा कुछ ना कुछ। फिर मैं देखिया 3-4 रजिस्ट्रियां उन्हें मोड़िया सी, आ रजिस्ट्री आई, 2-3 लाइना पहलियां पढ़ की, यह रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वह मोड़िया सी, जदों ही मोड़ते सी तो वह जिहड़ा कोई इत्थे स्टाफ का बंदा सी उहनूं कहिंदा सी हो ही नहीं है ना, मेरे ना आ जा, उहनूं लैंदे 12 नंबर बूथ च ना। देश दुनिया दियां नवियां ते ताज़ियां तरीन खबरां लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते बैल आइकन ते क्लिक जरूर करो।